चैनल एग्जामिनेशन हंट। होप आपको जो मेरी पहली वीडियो है इनइक्वालिटी की, जो रीजनिंग एबिलिटी में हमारा फर्स्ट टॉपिक है इनइक्वालिटी का, उसकी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। तो गाइज, अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और अगर वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो उनको शेयर और उन पर कमेंट जरूर कीजिए और लाइक कीजिए। आज का जो हमारा नया टॉपिक रहेगा जी, वो हमारा इनइक्वालिटी का पार्ट टू रहेगा, जिसमें हम मिक्स फ्रैक्शंस देखेंगे और जो हमारा फर्स्ट टॉपिक था उसके कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। ठीक है गाइस, शुरू करते हैं आज का जो टॉपिक है। हमने लास्ट टाइम किया था टाइप वन किया था इनइक्वालिटी का, जिसमें हमने कुछ स्टेटमेंट्स वाले क्वेश्चंस देखे थे। ठीक है, उसी क्वेश्चंस को थोड़ा सा अगर फर्दर मैं थोड़ा आज एक ब्रीफ में करूँ, तो फर्स्ट क्वेश्चन में हमारी स्टेटमेंट देखिए क्या कह रही है कि के ग्रेटर देन इक्वल टू वाई ग्रेटर देन एन ग्रेटर देन पी ग्रेटर देन इक्वल टू एल। राइट, अगर इसका फर्स्ट कंक्लूजन देखें तो के ग्रेटर देन इक्वल टू एल। पहले तो हमें गेट चेक करना है। ठीक है, पिछली वीडियो की तरह अगर आपने वीडियो देखी है तो उसमें आपको पता चलेगा कि हमें गेट्स कैसे चेक करने हैं, हमारा स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर क्या है। अगर किसी ने वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ पहले जाइए आप, फर्स्ट वीडियो देखिए इसकी, पार्ट वन की। ठीक है, तो अगर आप, मैं थोड़ा सा डिस्क्राइब कर देता हूँ, तो इसमें हमारा फर्स्ट स्टेप क्या रहेगा जी, हमारा जो फर्स्ट स्टेप है हमें क्या करना है, गेट चेक करना है। ठीक है, वेदर इट इज़ ओपन और क्लोज, देन हमें क्या करना है, प्रायोरिटी बेसिस पे उसको चेक करना। ठीक है गाइज, इसमें गाइज मैंने कोई भी गेट क्लोज वाला क्वेश्चन नहीं लिया, ताकि थोड़ा सा आपको इजीली थोड़ा सा एक बूस्टअप मिल जाए करने के लिए। राइट, के ग्रेटर देन इक्वल टू एल, सबसे पहले हमने के से एल तक जाना है, हमने गेट चेक करना है, गेट ओपन है जी, गेट ओपन है, गेट ओपन है, गेट ओपन है, इट मीन्स हम के से एल तक जा सकते हैं। अब चेक करना है कि प्रायोरिटी हमारी यहाँ पे प्रायोरिटी कौन सी, कंक्लूजन में सेकंड प्रायोरिटी। अगर हमने बोला कि कंक्लूजन में अगर हमारी सेकंड प्रायोरिटी है, इट मीन्स हमारी स्टेटमेंट में मिनिमम जो सेकंड प्रायोरिटी वो तो मिलनी चाहिए, बाकी जो प्रायोरिटीज है इससे नीचे मिलनी चाहिए। अगर इससे ऊपर वाली प्रायोरिटी आएगी तो क्या हो जाएगा, हमारा गलत। आपको पता है हमारी तीन प्रायोरिटीज क्या हैं, ग्रेटर देन इक्वल टू थ्री, ये हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी है, ये हमारी सेकंड प्रायोरिटी है, ये हमारी थर्ड प्रायोरिटी है। ठीक है, अब यहाँ चेक करो जी, ये सेकंड प्रायोरिटी ग्रेटर देन इक्वल टू, ठीक है, यहाँ सेकंड प्रायोरिटी, अब यहाँ क्या आ गया, फर्स्ट प्रायोरिटी आ गई, इट मीन्स इससे क्या आ गई, ऊपर वाली। हमें क्या बोला था, गया था कि हमने मिनिमम ये लेनी है, या ये वाली आएगी या इससे नीचे वाली आएगी, इससे ऊपर वाली आएगी तो हमारी क्या आ जाएगी, गलत। बट इसमें क्या आ गया, हमारी ऊपर वाली प्रायोरिटी आ गई, इट मीन्स ये क्या हो गया, हमारा आंसर गलत। राइट, ओके, के ग्रेटर देन पी, अब के से पी तक जाना है, प्रायोरिटी चेक करो जी, सॉरी, पहले हमने क्या करना है, गेट चेक करना है, गेट ओपन है, गेट ओपन है, गेट ओपन है, इट मीन्स कि हम के से पी तक हम क्या कर सकते हैं, जा सकते हैं। यहाँ कौन सी है, फर्स्ट प्रायोरिटी, मिनिमम हमें ये प्रायोरिटी चाहिए। ठीक है जी, एक प्रायोरिटी होनी चाहिए, बाकी चाहे बड़ी हो चाहे छोटी, मैटर नहीं करेगी। ठीक है, मिनिमम हमारी देखो के से पी तक ये वाली है, इससे छोटी है तो भी चलेगी, ये बराबर है तो भी चलेगी, ये हमारा क्या हो गया, ट्रू। ओके, के क्या है, के इक्वल टू एन, ठीक है, गेट ओपन है, ओके, अब के इक्वल टू एन, इट मीन्स ये कौन सी प्रायोरिटी है, थर्ड प्रायोरिटी, इट मीन्स अगर यहाँ पे हमारी कंक्लूजन में थर्ड प्रायोरिटी है तो मिनिमम ये वाली एक प्रायोरिटी होनी चाहिए, बाकी इससे नीचे या यही वाली, इससे अगर ऊपर वाली आएगी तो क्या आ जाएगा, गलत। बट यहाँ क्या है, दोनों ही ऊपर वाली, तो ये सीधा सीधा क्या हो गया, गलत। ओके, नेक्स्ट है जी हमारा के लेस देन एल, इसको मैं ऐसे लिख सकते हैं, या के लेस देन एल देख लो, ऐसे देख लो, चाहे एल ग्रेटर देन के, आपकी मर्जी है, जैसे देखना देख लो, के लेस देन एल मीन्स के से इधर जा सकते हैं, गेट क्या होना चाहिए, इधर को है क्लोज, है ना, बट के से जैसे हम इधर को जाएंगे, गेट हमें क्या मिल रहा है, ओपन, इट मीन्स ये सीधा सीधा क्या हो गया, गलत। नेक्स्ट है जी वाई ग्रेटर देन इक्वल टू पी, वाई से पी तक जाना जी, हाँ जा सकते हैं, यहाँ हमारा प्रायोरिटी सिंबल क्या है जी, ग्रेटर देन इक्वल टू, बट यहाँ कहीं पे भी हमें ग्रेटर देन इक्वल टू नहीं दिख रहा। ठीक है, यहाँ क्या है, उससे बड़ा, तो ये सीधा क्या हो गया, ये भी गलत। ये क्या जी आपका एल लेस देन के, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, के ग्रेटर देन एल, कोई इशू नहीं है जी, के से एल तक जाना है, गेट ओपन है, प्रायोरिटी सिंबल क्या है जी, फर्स्ट प्रायोरिटी है, मिनिमम एक होना चाहिए, मैक्सिमम जितने मर्जी हो, चाहे उससे नीचे भी हो तो भी चलेगा। ठीक है जी, मिनिमम एक दो मिल गए हमें, चाहे उससे नीचे हो चाहे बड़े, मैटर नहीं कर रहा, आंसर क्या होगा हमारा, ट्रू। ओके, पी इक्वल टू के, थर्ड सिंबल है जी, प्रायोरिटी का, यहाँ तो मिनिमम ये होना चाहिए, बाकी इससे नीचे या सेम ही,
बट यहाँ क्या सारे इससे बड़े हैं, तो इतनी सादा सीधा ये क्या हो गया हमारा गलत। गैस ये देखो बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस थे पार्ट वन के, टाइप वन है इसमें। अब एक क्वेश्चन हो रहा है जो मिक्स है, इट मीन्स जिसमें मैंने दोनों तरफ के गेट लिए, गेट ओपन वाला भी लिया, गेट क्लोज वाला भी लिया, राइट। अब देखो फर्स्ट कंक्लूजन हमारा एक्स ग्रेटर देन क्यू, इट मीन्स एक्स से क्यू तक जाना है। गेट हमारा पहले क्या ओपन, स्टेप वन क्या हमें गेट चेक करना है, गेट ओपन है, गेट ओपन है, ओपन है, बट देखो यहाँ क्या आ गया, गेट क्लोज आ गया एक्स से क्यू तक जाते, हमें और कुछ देखने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट हमारा आंसर क्या हो जाएगा गलत। ये है गेट का फायदा, ठीक है गाइज, कि गेट से अगर आंसर निकलना है तो हमें क्यों अपनी प्रायोरिटीज पे जाके टाइम वेस्ट करना है, राइट। नेक्स्ट है जी सेकंड, वाई लेस देन क्यू, चाहे वाई लेस देन क्यू कर लो चाहे क्यू ले ग्रेटर देन वाई, अगर वाई लेस देन क्यू करोगे तो वाई से क्यू की तरफ जाना है तो हमारे गेट क्या होना चाहिए, क्लोज। वाई से क्यू तक जाते ही पहले हमें क्या मिल गया, गेट हमारा क्या मिल गया, ओपन, तो सीधा सीधा ये भी क्या हो गया गलत। गाइस ये था हमारा टाइप वन के क्वेश्चंस जो हमने पिछली वीडियो में भी करेंगे किए हुए थे, और इस वीडियो में भी मैंने दो क्वेश्चंस इसके बना दिए। जो हम आज का मेन है जो हमारा रहेगा वो है टाइप टू क्वेश्चन मिक्स्ड वाले, इसको हम बोलते हैं टाइप टू मिक्स्ड इनइक्वालिटी। मिक्स्ड इनइक्वालिटी मतलब हमें क्या हो गया, दो पार्ट्स दिए रहेंगे, जैसे मानो ए ग्रेटर देन बी ग्रेटर देन सी एंड बी ग्रेटर देन डी, ये दो दिए हैं, ठीक है, ये हमारी क्या है, दो स्टेटमेंट्स, ठीक है, और इसके भी यहाँ पे क्वेश्चन दिया होगा दैट सी ग्रेटर देन डी। अब ये पार्ट लगा, ये पार्ट लगा, अब हमें क्या करना है, इन दोनों को ऐसे कंबाइन करना है कि हमारी ये वाली हमें चेक करनी है कि सी ग्रेटर देन डी आ रही है कि नहीं आ रही, ठीक है। अगर इसको करना है कैसे, मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ, हमें इसमें एक कॉमन वैल्यू ढूंढनी होती है दोनों में। अब देखो दोनों में कॉमन वैल्यू क्या है, क्योंकि एक्चुअल में क्या होता है, बनेगी एक स्टेटमेंट बट हमें अलग से ढूंढनी पड़ती है। यहाँ पे देखो कॉमन वैल्यू क्या है, बी है ना, तो हमें इसमें क्या पूछा गया है, हमने कहाँ से कहाँ तक जाना है, सी से डी तक जाना है, राइट। सी से डी तक कैसे जाएंगे जी, पहले हम क्या कर सकते हैं, सी से हम बी तक गए है ना, कॉमन वैल्यू क्या है, बी, सी से हम कहाँ गए, बी, अब फिर बी यहाँ आ गए, बी से हम कहाँ चले गए, डी। इसको ऐसे लिख सकते हैं, सी से हम कहाँ गए, बी, सी की तरफ क्या है, ये वाली वैल्यू, राइट, ऐसे हमने इसको लिख दिया ना, और हम फिर बी यहाँ पहुंच गए, बी क्या है, ग्रेटर देन डी, ये हमारी बन गई स्टेटमेंट कंक्लूजन के अकॉर्डिंग, क्योंकि हमें कंक्लूजन ये चाहिए था सी से डी तक जाना। सी से डी हम कैसे जा सकते हैं, कि सी से बी यहाँ गए, क्योंकि हमें क्या कॉमन फैक्टर ढूंढना है, यहाँ कॉमन फैक्टर क्या है, बी, राइट। सी से हम बी गए, यहाँ आ गए, फिर हम यही बी से लेके यहाँ पहुँचे और बी से यहाँ डी पहुँचे। सी से आपने सिंबल नहीं चेंज करने, अगर देखो बी की तरफ गेट ओपन है तो बी की तरफ गेट ओपन ही रहना चाहिए, ठीक है। तो अभी आप देखो बस ये काम करना है, मिक्स्ड का मतलब यही है, बस अगर आपने ये स्टेटमेंट बना ली बाकी तो सेम ही है, ये आपकी स्टेटमेंट होगी कंक्लूजन में, उसने क्या पूछा है, सी ग्रेटर देन डी, पहले चेक करो कि गेट ओपन है कि क्लोज, सी से देखो गेट क्या है, क्लोज, तो डायरेक्ट आंसर क्या हो गया, फॉल्स। बाकी सिस्टम वही है फर्स्ट टाइप वाला, बस ये हमें अरेंज करनी आनी चाहिए कि हमने ये इसको कैसे अरेंज करना है, ऐसे बनाना है अपने अकॉर्डिंग, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जिसका, ये तो हो गया एग्जाम्पल। ओके फर्स्ट स्टेटमेंट देखो क्या है, एस ग्रेटर देन सी ग्रेटर देन ओ, सेकेंड क्या है, पी लेस देन सी। अभी फर्स्ट कंक्लूजन में क्या बोल रहा है, ओ से हमने कहाँ तक जाना है, पी तक। ओके ओ से हम पी कैसे जा सकते हैं जी, देखो कॉमन फैक्टर क्या है, ओ से पी तक जाने के लिए, अगर हम ओ से सी जाए यहाँ पहुँच गए, सी से ये पी गए यहाँ पहुँच गए, ठीक है। अब इसको हम कंबाइन करते हैं, ओ से हम पहले गए सी तक, ऐसे चले जाओ, ऐसे बना लिए ओ से सी। अब सिंबल चेक कर लो, गेट किसकी तरफ ओपन है, सी की तरफ, ये ओपन कर दिए गेट। अब सी से पी गए, गेट किसकी तरफ ओपन है जी, सी की तरफ, ये बन गया, ठीक है। ओ से पी तक जाना गया, पहुंच गए हम ओ से पी तक, राइट। अब आप फर्स्ट वाला टाइप वाले चेक कर लो, ओ से हमने पी तक जाना है, गेट क्या है, क्लोज। ओ से सी तक तो हमें मिल गया गेट क्लोज, बट यहाँ क्या हो गया, गेट मिल गया ओपन, इट मीन्स ये क्या हो गया हमारा आंसर गलत। देखो हमें प्रायोरिटी चेक करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। ओके नेक्स्ट सेकेंड है, एस ग्रेटर देन पी,
एस से पी तक कैसे जाएंगे जी, देखो कॉमन फैक्टर ढूंढना है, एस से हम गए सी तक, फिर हम सी से कहाँ चल गए पी तक, इट मीन्स इसको ऐसे लिख सकते हैं एस ग्रेटर देन सी, यहाँ आ गए सी ग्रेटर देन पी, ठीक है। इसका गेट किसकी तरफ ओपन था, यह अब देखो ये बन गया, ये क्या हमने पहले क्या चेक करना है, गेट ओपन, ठीक है, एस से पी तक गेट क्या है हमारा ओपन। अब हम यहाँ क्या करेंगे, प्रायोरिटी चेक, फर्स्ट प्रायोरिटी तो सब में क्या है, फर्स्ट प्रायोरिटी, इट मीन्स ये क्या होगा ट्रू। ये गाइज ये है सिंपल सा काम। अब जो चीज़ समझने वाली है, जो सबसे बड़ी गलती करते हैं सारे जने, इसमें क्या गलती करते हैं, वो पूछते हैं कि हम एस से सी तक चले गए बट हमारा ओ कहाँ गया, है ना इस वाले में। भाई ओ तो हमारी आने की जरूरत नहीं है ना, क्योंकि हमने क्या करना है, कॉमन फैक्टर ढूंढना है, हमने कॉमन फैक्टर ढूंढ लिया, एस से पी तक जाने का रास्ता चाहिए था, तो हमें एस से ओ क्यों जाएं, जब हमें सी से ही उसका रास्ता मिल रहा है। एस से सी गए, सी से फिर यहाँ पहुँच गए, सी से यहाँ पी आ गए, ठीक है, तो ओ की इसमें कोई भी जरूरत नहीं पड़ेगी। नेक्स्ट देखो, बी ए इक्वल टू बी लेस देन सी देन ए ग्रेटर देन आर, ठीक है, दो इक्वेशन हैं, ये स्टेटमेंट हुई हमारी, ये हमारे हो गए कंक्लूजन। फर्स्ट देखो, बी से हमने कहाँ तक जाना है, आर तक, कॉमन फैक्टर क्या है दोनों में जी, ए, इट मीन्स बी से हम पहले गए ए, ए से कहाँ चल गए आर, बस। अब देखो गेट चेक करना है, गेट ओपन है जी हमारा, खुला हुआ है, फर्स्ट प्रायोरिटी है, मिनिमम ये होनी चाहिए, बाकी से वैल्यू ये है, सारा कुछ है, सारा कुछ क्या हो गया ये ट्रू, ओके। देन हमें कहाँ जाना, आर से सी तक, अब आर से सी तक जाने के लिए कॉमन फैक्टर क्या है जी, ए, आर से हम पहले चले गए ए तक, ठीक है, ऐसे कैसे लिख लिया, यहाँ पहुँच के अब ए से सी ये सारी वैल्यू यहाँ तक जाना पड़ेगा, तो ये बीच में आप कोई भी वैल्यू नहीं छोड़ोगे, क्योंकि ये सारा यहाँ से होके निकलेगा, ये वैल्यू आ गई, ठीक है गाइस। अब इसमें क्या है, आर से सी तक जाना है, क्या है, गेट हमारा क्लोज है, आर से सी तक जाना है, गेट हमारा क्लोज है, इक्वल टू ये क्लोज है, बिल्कुल ठीक है जी, गेट सेटिस्फाइड हो गया। अब हमने क्या करता है, प्रायोरिटी चेक करनी है, फर्स्ट प्रायोरिटी है लेस देन में, तो लेस देन में फर्स्ट प्रायोरिटी, ऐसे नीचे ये भी क्या हो गया ट्रू, सो दिस इज योर आंसर। नेक्स्ट देखो, स्टेटमेंट क्या कह रही है हमारी, पी लेस देन क्यू ग्रेटर देन टी, ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन हो गया, सेकंड में क्या है, आर ग्रेटर देन क्यू, राइट। अब फर्स्ट हमारा क्या है स्टेटमेंट में, कंक्लूजन क्या है हमारा, आर ग्रेटर देन पी, अब आर से पी तक जाने के लिए कॉमन फैक्टर ढूंढना पड़ेगा, तो कॉमन फैक्टर क्या है जी हमारा, क्यू, बनाए इसको, आर से हम क्यू तक गए, ठीक है जी, क्यू से हमने कहाँ गए पी तक, अब क्यू से पी तक जाने के लिए गेट का किसकी तरफ ओपन है, क्यू की तरफ, बन गया ओपन। देखो जी, आर से पी तक जाने के लिए पहले गेट चेक करो, गेट सारे क्या हैं, ओपन है, बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ प्रायोरिटी पे, यहाँ प्रायोरिटी क्या है जी, फर्स्ट प्रायोरिटी है, अगर फर्स्ट प्रायोरिटी है तो यहाँ पे भी क्या है, सब जगह फर्स्ट प्रायोरिटी, तो ये हो गया हमारा ट्रू, राइट। नेक्स्ट है कंक्लूजन, टी लेस देन आर, ओके, तो ऐसे लिख सकते हैं आर ग्रेटर देन टी, ठीक है जी। अब हमें कहाँ से कहाँ तक जाना, आर से टी तक जाना, आर से टी तक जाने के लिए कॉमन फैक्टर, तो फिर क्यू ही आएगा, क्योंकि आर के साथ तो क्यू ही है, आर से हम गए क्यू तक, यहाँ क्यू से यहाँ आ गए, अब क्यू से टी तक जाना है, तो यहाँ चल गए ऐसे, आर से क्यू, क्यू से टी, बस बन गया। अब गेट चेक करना है, गेट क्या है, ओपन है, यहाँ गेट ओपन है, यहाँ क्या है, फर्स्ट प्रायोरिटी है, मिनिमम एक होनी चाहिए, मैक्सिमम जितनी मर्जी हो, सब जगह क्या है फर्स्ट प्रायोरिटी, तो ये क्या हो गया टू। इस वे से हमने क्या करना है, इनको सॉल्व करना है, ठीक है गाइस। ये था हमारा टाइप टू का वीडियो, नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे जी टाइप थ्री और कुछ और क्वेश्चंस देखेंगे जो इसके रिगार्डिंग जो हुए हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। थैंक यू गाइस, अगर मेरी वीडियोस प्लीज़ अच्छी लग रही हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियोस को शेयर कीजिए। थैंक यू गाइस।